मणोदर की शौर्य गाथाएं भारतीय इतिहास की मधुर झनकार हैं। राजा महाराजा अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अभेद्य दुर्ग बनवाते थे और अपने शौर्य और पराक्रम से दुर्ग की प्रजा की रक्षा करते थे। ये दुर्ग न सिर्फ मरुधरा की शान आन और बान थे, बल्कि आज ये दुर्ग मरुधरा के स्वर्णिम इतिहास को बताते शान से खड़े हैं। ऐसा ही एक दुर्ग है बीकानेर का प्रसिद्ध जूनागढ़ दुर्ग। तो चलिए आपको बताते हैं जूनागढ़ दुर्ग की कहानी। जूनागढ़ किले को भीषण लड़ाइयों के दौर में भी कभी जीता नहीं जा सका। दुर्ग के शासकों ने दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि एक बार इस दुर्ग पर कामरान मिर्जा ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 24 घंटे गुजरने के पहले ही राजपूतों ने अपने शौर्य और पराक्रम से दुर्ग को वापस अपने कब्जे में ले लिया। दुश्मनों ने कई बार दुर्ग पर हमला किया, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। बीकानेर का प्रसिद्ध किला जूनागढ़, दुर्ग में 37 सैन्य चौकियां, दुर्ग के बोझ पर तोपों की तैनाती। जूनागढ़ के किले के शासकों ने अपने शौर्य और पराक्रम से जूनागढ़ की आन बान शान को बरकरार रखा। यहाँ के शासकों ने अनेकों युद्ध किए, लेकिन जूनागढ़ किले को भीषण लड़ाइयों के दौर में भी कभी जीता नहीं जा सका। इसकी वजह है इस दुर्ग की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। इस किले के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर लंबी दीवार है। इसके चारों तरफ मानव निर्मित खाई है। ये खाई दुश्मनों के आक्रमण से बचाव का अचूक हथियार था, साथ ही पुराने सुरक्षा उपायों का एक हिस्सा भी। दुर्ग पर दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए 37 बुर्ज बने हैं। ये बुर्ज सैन्य चौकियां हुआ करते थे, जिनके जरिए दुर्ग के बाहर दुश्मन पर नजर रखी जाती थी। बुर्ज चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए हैं। इसके अलावा इन बुर्जों पर तोपों को रखा जाता था। इन तोपों से चले गोले दुर्ग के बाहर घेरा डाले और आक्रमण की फिराक में दुश्मन के हौसले पस्त कर देती थी। दुर्ग की सुरक्षा अभेद्य, दुर्ग के दुर्गम द्वार अजय दुर्ग जूनागढ़। मरुधरा में शान से खड़ा जूनागढ़ किला अपना इतिहास बयान करता है कि उसे कोई भी शासक जीत नहीं पाया। इसकी एक और वजह है दुर्ग के प्रवेश द्वार। इस दुर्ग के दो प्रवेश द्वार हैं, करणपोल और चांदपोल। करणपोल पूर्व दिशा में बना है, जिसमें चार द्वार हैं, वहां चांदपोल पश्चिम दिशा में बना है, जो एकमात्र द्वार ध्रुव पोल से संरक्षित है। ऐसे में दुश्मन इस दुर्ग पर बार बार हमला तो करते रहे, लेकिन इसे जीतने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहा। (1465 से 1504) जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने अपने पिता से अलग होकर अपने विश्वसनीय सिपह सालारों के साथ नए राज्य की स्थापना की और 1488 में बीकानेर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बीकानेर की स्थापना के साथ ही यहां के महाराजाओं ने बीकानेर के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। 1504 में राव लूणकरण नारनौल के नवाब पर आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद राव जैत सिंह ने गद्दी संभालने के साथ ही अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि 1534 में इतिहास में एक बार किसी गैर शासक द्वारा इस भव्य किले पर कब्जा किए जाने के प्रयास का जिक्र मिलता है। दुर्ग पर कई हमले हुए। राव जैतसिंह का पराक्रम, दुश्मनों के दांत खट्टे किए, शूरवीरों की शौर्य गाथा। 1534 में जब कामरान राजस्थान के किलों को जीतने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा था,
तब भटनेर पर चढ़ाई करने के बाद कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया। आखिरकार कामरान अपने मकसद में कामयाब रहा और इस तरह मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया। लेकिन उसकी किला फतह करने की ख्वाहिश 24 घंटे भी ना रह सकी। दरअसल राव जैतसी ने दुर्ग को वापस पाने के लिए एक मजबूत सेना के साथ कामरान पर हमला कर दिया। अप्रत्याशित आक्रमण से मुगल सेना बीकानेर छोड़कर भाग खड़ी हुई। और राव जैतसी की विजय हुए इस तरह किले को जीतना दुश्मन के लिए ख्वाब ही रहा। माना जाता है कि इसके अलावा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जूनागढ़ को किसी शासक ने फतेह करने के मंसूबे बनाए हों और वो कामयाब हुआ। बीकानेर के शासक बदले, बीकानेर पर मालदेव का कब्जा। 1544 में कल्याण मल के अधिकार में दुर्ग। सन 1541 ईसा में जब जोधपुर शासक राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया तो युद्ध में राव जैतसी की मृत्यु हो गई। इस तरह बीकानेर पर राव मालदेव का कब्जा हुआ। लेकिन सन 1544 ईसा में शेरशाह सूरी ने मालदेव को गिरी सुमेर के युद्ध में हरा दिया। इसमें राव जैतसी के पुत्र कल्याण मल ने शेरशाह की सहायता की थी। शेरशाह ने बीकानेर का राज्य राव कल्याण मल को दे दिया। कल्याण मल बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने सन 1570 ईसा को अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। अकबर ने नागौर दरबार के बाद सन 1572 ईसा में राव कल्याण मल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। सन 1574 में राव कल्याण मल की मृत्यु हो गई। कल्याणमल की मृत्यु के बाद सन 1574 में राय सिंह बीकानेर के शासक बने। महाराजा राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर रियासत के मुगलों से घनिष्ठ संबंध कायम हुए और अकबर के निपुण योद्धा बने। पंद्रह सौ बहत्तर ईसा में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया। कठौली की लड़ाई 1573 में गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजी गई सेना में राय सिंह भी थे। इब्राहिम हुसैन मिर्जा का पीछा करते हुए राय सिंह के नेतृत्व में मिर्जा को कठौली नामक स्थान पर घेर लिया जहां वो पराजित होकर पंजाब की तरफ भाग गया। ताज खां और देवड़ा सुल्तान का दमन 1576 ईसा में ताज खां और सिरोही के सुल्तान देवरा के विद्रोह का दमन करने के लिए भी राय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी गई थी। लेकिन ताज खां और सुल्तान ने राय सिंह के समक्ष उपस्थित होकर बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह बीकानेर का जूनागढ़ किले के शासकों ने कई युद्ध किए और अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे किए। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। बीकानेर का प्रसिद्ध जूनागढ़ दुर्ग अपनी अभेद सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है। दुर्ग के प्रवेश द्वार 1078 गज की परिधि, 37 बुर्ज इस किले की बनावट को खास बनाते हैं। इसके साथ साथ इस किले के निर्माण में तुर्की शैली मंत्र मुक्त कर देती है। लाल बलुआ पत्थरों से बना यह दुर्ग विश्व भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 1593 में बना जूनागढ़ किला, लाल बलुआ पत्थरों से बना दुर्ग, बीकानेर का भव्य किला, 16वीं सदी में बना जूनागढ़ किला मरुधरा की आन बान शान को बताता है। इस दुर्ग को कभी भी जीता नहीं जा सका।
बाद में आए शासकों ने इसमें 37 नए महल, मंडप और मंदिर इस कुशलता से बनाए कि इन्हें पहले से मौजूद किले में आसानी से जोड़ा जा सके। जूनागढ़ किला बीकानेर का एक बड़ा आकर्षण है। इसे महाराजा राय सिंह ने बनवाया था। इतिहास इस पूरे किले से बहुत गहरी जड़ों तक जुड़ा है। यह किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थरों और संगमरमर से बना है। बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह ने नया दुर्ग चिंतामणि बनवाया, जो आज जूनागढ़ के नाम से विख्यात है। इस किले को 1589 से 1593 के बीच बनवाया गया। पूर्व में बीकानेर रियासत के राजाओं का बीकानेर में ही प्रवास रहता था। अब तक हुए 24 राजाओं में से 1.5 दर्जन राजाओं ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुर्ग निर्माण में तुर्क शैली की झलक, दुर्ग में शानदार महल, महलों की छटा निराली। दुर्ग की नींव 1589 के दिन डाली गई। इसका निर्माण 1594 को पूरा हुआ। स्थापत्य, पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में तुर्की शैली अपनाई गई, जिसमें दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। राय सिंह अकबर की सेना में एक सेनापति भी थे, इसलिए दुर्ग में निर्मित महल दिल्ली, आगरा और लाहौर स्थित महलों की भी झलक मिलती है। इसमें कई सुंदर और मनमोहक चंद्र महल, अनूप महल, गंगा निवास, कर्ण महल, रंग महल, डूंगर निवास और गज मंदिर हैं। शाही परिवारों के लिए भव्य प्रार्थना स्थलों का निर्माण पूजा अर्चना के लिए करवाया गया था। 1078 गज की परिधि में बना दुर्ग, दुर्ग में 40 फीट के 37 बुर्ज, दुर्ग में प्रवेश के 2 द्वार, दुर्ग चतुष्कोणीय आकार में बना है, जो 1078 गज की परिधि में निर्मित है। इसमें औसतन 40 फीट ऊंचाई तक के 37 बुर्ज हैं, जो चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए हैं। इस दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार हैं। सभी पोलों का नामकरण बीकानेर के शाही परिवार के प्रमुख शासकों और राजकुमारों के नाम पर किया गया है। इनमें से कई पोल ऐसे हैं जो दुर्ग को संरक्षित करते हैं। पोलों के दरवाजे बहुत ही भारी और मजबूत लकड़ी के बने हुए हैं। इनमें ठोस लोहे की भाले नुमा कीले लगी हुई हैं। दुर्ग का सूरज पोल मुख्य द्वार रहा है। इसका निर्माण महाराजा गज सिंह के शासनकाल में किया गया था। पोल के निर्माण के लिए पत्थर जैसलमेर से लाया गया। सूरज पोल आकर्षक मेहराबदार बड़े कमरे के आकार में बना है, जो दोनों तरफ खुलता है। इस पोल के पास भगवान गणेश का मंदिर होने के कारण इसको गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। पोल से निकलते ही देवी द्वार है, जिसे देवी नवदुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। देवी द्वारे के पीछे की तरफ जनानी ढोड़ी और पीपलियों का चौक है। जनानी ढोड़ी से अतीत से आज तक धूमधाम से गणगौर और तीज माता की सवारी निकलती है। इसके अलावा मर्दानी ढोड़ी, हुजूर की पीढ़ी अपने आप में इतिहास और अतीत की कई घटनाओं की याद दिलाती है। बीकानेरी दुलमेरा के लाल पत्थर से निर्मित 3 मंजिला दलेल निवास का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। महाराजा दलेल सिंह महाराजा गंगा सिंह के पिता थे। दलेल निवास के सामने गहरा कुआं है, जिसे रामसर के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ के विक्रम विलास की पेड़ी लाल पत्थर से बनी है, जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ के 5वीं शताब्दी से अधिक प्राचीन बीकानेर के जूनागढ़ किले को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग मानते हुए अमेरिकन ट्रेवल कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस 2015 सम्मान से सम्मानित किया है। वर्तमान में बीकानेर के जूनागढ़ किले को महाराजा राय सिंह ट्रस्ट की ओर से संचालित किया जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। दुर्ग का अनूप महल, गज मंदिर पैलेस, बादल महल तो देखते ही बनता है। यहाँ के महलों की नक्काशी शानदार है।
चित्रकारी और सोने के पानी चढ़ी कलाकृतियां और दीवार और छतों पर किया गया वर्क मंत्रमुग्ध कर देता है। जूनागढ़ दुर्ग में राजा की समृद्ध विरासत के साथ उनकी कई हवेलियां और महल भी हैं। इसमें बने महल, छज्जे, प्रांगण, छतरियां और खिड़कियां, दरवाजे एक समृद्ध ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पी विरासत का प्रमाण है। यहाँ के कुछ महलों में गंगा महल, बादल महल, अनूप महल बेहद खास है। चंद्र महल, किले के अंदर बने महल बेहद खूबसूरत हैं। पैलेस में राधा कृष्ण की मूर्ति मंत्रमुग्ध करती है और महाराज गज सिंह के द्वारा बनवाया गया चंद्र महल राजशाही ठाट बाट को दर्शाता है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं लगी हैं। देवी देवताओं की ये मूर्तियां देवताओं के कई अवतारों को प्रदर्शित करती हुई दीवारों पर बनी है। महल की नक्काशी और रंगीन कांच से आता प्रकाश इसे स्वर्ग समान बनाता है। यहाँ के शासक कला प्रेमी थे और उनका प्रेम उनके महलों में साफ झलकता है, फिर चाहे छतों पर शानदार जड़ाऊ काम हो या फिर मिनिएचर पेंटिंग्स। दरअसल उस दौर के राजा महाराजा न सिर्फ इस कला के जरिए कलाकारों को रोजगार देते थे, बल्कि उस दौर की आर्ट को विरासत के तौर पर सहज कर रखना चाहते थे। महल में ऐसे कई स्थान हैं जहां कला के ये शानदार नमूने देखे जा सकते हैं। राजा राय सिंह के बनवाए महल को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि यहाँ के शासक न सिर्फ एक अच्छे योद्धा थे बल्कि कला के कद्रदान भी। महल में श्री कृष्ण लीला का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है, तो वह शिकार के चित्र एक कहानी के तौर पर महलों की पेंटिंग्स को जीवंत करते हैं। महलों की दीवारों का शायद ही कोई कोना हो जो आर्ट वर्क से अछूता हो। करुण महल, करुण महल दुर्ग के सबसे प्राचीन पैलेस में से एक माना जाता है। इस महल में मुगल आर्किटेक्चर शानदार है। प्रजा से मिलने के लिए बनवाया गया स्थान बेहद खूबसूरत है। इसे महाराजा अनूप सिंह ने अपने पिता की याद में बनवाया। राजशाही वैभव को यहां बयां करता यह स्थान बेहद खूबसूरत है। अनूप महल, महाराजा अनूप के समय दुर्ग का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उन्होंने अनूप महल को सजाने के लिए प्रसिद्ध कलाकारों को बुलवाया और इसको देखने के बाद आप समझेंगे कि क्यों अनूप महल की आभा स्वर्ण सी दमकती प्रतीत होती है। दरअसल सोने के पानी से यहाँ चित्रों को उकेरा गया है। महाराजा अनूप सिंह कला के कद्रदान थे। यहाँ 18वीं शताब्दी के अंत में बनी संगमरमर में तराशी गई कला की बारीकियां हमारी धरोहर हैं। इन्हें जयपुर, लाहौर और दिल्ली के नामचीन कलाकारों ने बनाया। दीवारों के अलावा दरवाजों को भी पेंटिंग से सजाया गया। गजमंदिर पैलेस, गजमंदिर पैलेस कृष्ण भक्त महाराजा गज की याद दिलाता है और उनकी कृष्ण में आस्था यहाँ की शानदार मूर्तियों, दीवारों में उकेरे गए कृष्ण के बचपन की चित्रों में झलकती है। गज मंदिर पैलेस में संगमरमर का बेहद शानदार काम किया गया है। कांच का महीन काम भी गज मंदिर पैलेस में देखने को मिलता है। हवा महल, हवा महल पैलेस दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर बना है। हवा महल के नाम से ही पता चलता है कि तपती गर्मी के दिनों में राजा महाराजा यहाँ पर ठंडक का एहसास लेने के लिए आते थे। यहाँ की छतों पर लकड़ी का शानदार काम किया गया है।
इस महल में उस दौर में चाइना से मंगवाई गई खास तरह की टाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। बादल महल। महाराजा सरदार सिंह को प्रसन्न करने के लिए दुर्ग में बादल महल का निर्माण करवाया गया। वे गीत संगीत को बेहद पसंद करते थे और खास तौर पर राग मल्हार को पसंद करते थे, इसलिए इस महल को सजाने के लिए घनघोर बादलों की घटा को महसूस करने के लिए गहरे रंगों का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल मरुधरा होने के चलते राजस्थान में बारिश बेहद कम हुआ करती थी, ऐसे में राज्य के शाही किलों में बादल महल बनाकर बरसात का एहसास राजा महाराजा किया करते थे। जयपुर नागौर किला सहित अनेक किलों में बने बादल महल इसका उदाहरण है। विक्रम विलास पैलेस। ये पैलेस महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया और यहां बना दरबार हॉल उस दौर का न्यायालय हुआ करता था। आज भी महाराजा का सिंहासन यहां देखा जा सकता है। लालगढ़ पैलेस। मुगल राजपूत और यूरोपीय शैली, लाल बलुआ पत्थरों से बना पैलेस। लालगढ़ पैलेस बीकानेर और राजस्थान में सैलानियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। इसे बीकानेर के महाराजा ने 1902 में बनवाया था। इसकी मुगल, राजपूत और यूरोपीय शैली की वास्तुकला सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। आज यहां एक संग्रहालय, एक हेरिटेज होटल और एक लग्जरी होटल है। यह 3 मंजिला भवन है जो पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिससे यह पैलेस और आकर्षक लगता है। इसके शानदार खंभे इसे और भी सुंदर और मनमोहक बनाते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। कई एकड़ तक फैली रेत, शानदार किले और सुंदर हवेलियों के साथ साथ यहाँ कई आकर्षक संग्रहालय हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें देशलोक मंदिर अपना अलग स्थान रखता है। इस मंदिर में चूहों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस किले में एक संग्रहालय भी है, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के कपड़े, चित्र, गहने और हथियार भी है। ये संग्रहालय सैलानियों के लिए राजस्थान के खास आकर्षण में से एक है। यहाँ संस्कृत और फारसी में लिखी गई कई पांडुलिपियां भी हैं। इसके अलावा संग्रहालय में पुराने सामान के साथ साथ राजाओं के परिवार के चित्र भी हैं। देशनोक मंदिर, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर, 15वीं शताब्दी में मंदिर का भव्य निर्माण। देशनोक मंदिर बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित है। इस मंदिर को करणी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से बहुत से मिथक और इतिहास जुड़ा है। ये मंदिर करणी माता को समर्पित है, जिन्हें मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। इस पूरे मंदिर की शैली बहुत अनूठी है और उच्च धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को दिखाती है। इस मंदिर में चूहों को बहुत पवित्र माना जाता है और मंदिर में इनके आसानी से आने जाने के लिए खास छेद भी बनाए गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में और सैलानियों में मंदिर को बहुत पवित्र माना जाता है। जूनागढ़ के 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी आस्था व विश्वास का केंद्र बना। इसमें महाराजा अनूप सिंह द्वारा दक्षिण से लाई गई 700 बहुमूल्य कांस्य प्रतिमाएं स्थित हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।
हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।